लोकसभा का बिगुल बज चुका, ऐसे में कई उम्मीदवारों के नाम भी घोषित हो गए। तो वहीं पर बात की जाए तो भिवंडी लोकसभा के तीसरी बार उम्मीदवार के रूप में कपिल पाटिल का नाम सामने आया, जिसके बाद आपको बता दें कि कपिल पाटिल अपने सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे। विशेष तौर पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक स्थित कोमलपाड़े इलाके के, जहाँ पर उद्योगपति व समाज सेवक कृष्णा गाजंगी के जनसंपर्क कार्यालय पर भारी संख्या में लोग उपस्थित होकर कपिल पाटिल, जो कि भिवंडी लोकसभा के सांसद, केंद्र पंचायत राज राज्य मंत्री हैं, इनका स्वागत सम्मान जो है फूलों की गुलदस्ता देकर करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में आपको बता दें कि उनके साथ में भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले, भाजपा के जिला अध्यक्ष वहां पर हर्षल पाटिल, सुमित पाटिल, राजू गाजंगी, इनके साथ में विकास भापना, भावेश पाटिल, साथ ही साथ आपको बता दें कि कृष्णा गाजंगी के साथ में कोमलपाड़ा रहवासी संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता वहां पर दिखाई दिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोमलपाड़ा इलाके में कई ऐसे सोसाइटी के जिम्मेदार वहां पर मौजूद थे। सभी लोगों ने कपिल पाटिल को फूलों की गुलदस्ता देकर स्वागत सम्मान किया। इस बीच हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान कृष्णा गाजंगी ने भिवंडी लोकसभा के सांसदीय के उम्मीदवार के रूप में एक बार कपिल पाटिल को दोबारा जो टिकट दिया गया उस पर अपनी राय रखी और शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं। महाराष्ट्रात भाजपचा जो पहिली यादी निघाली त्याच्यामध्ये आपले सन्माननीय मंत्री महोदय कपिल पाटील जी यांचं नाव प्रथम यादीतच भाजपने त्यांना उमेदवारी देऊन आणि उमेदवारी दिल्यानंतर प्रचारात आमच्या या ऑफिसमध्ये आल्याबद्दल त्यांचा मी कोंबडपाड्याचे रहिवासी संघर्ष समिती कृष्णा गाजंगी सर्वांचे मित्रमंडळ भाजपच्या परिवार यातर्फे त्यांचा आभार व्यक्त करतो आणि त्यांना अभिनंदन करतो पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो। क्या कहेंगे आज भिवंडी लोकसभा के उम्मीदवार माननीय श्री कपिल पाटिल जी का आगमन होना, उनका स्वागत सत्कार किया। जय श्री राम। आज भिवंडी के लोकप्रिय खासदार जिनको पहला यादी में बीजेपी ने इधर का उम्मीदवार बनाया, श्री कपिल पाटिल जी जो मेरे ऑफिस में कृष्णा गाजंगी जनसंपर्क कार्यालय के ऑफिस में आए, मुझे मिले और हमारे सभी कार्यकर्ते और मेरे मित्र परिवार सभी को मैंने अपने ऑफिस में बुलाया था, उन सबको मिलके उनका उम्मीदवारी जैसा डिक्लेयर हो गया। पहली बार भिवंडी कुंभड़पाड़े में आए और मैं मेरे तरफ से मेरे सभी दोस्तों के तरफ से आश्वस्त किया कि हम लोग बीजेपी वाले हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे और उनको जिताने का पूरी तरह कोशिश करेंगे और ज़रूर जीतेंगे।